हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टैंडर्ड 8 का सर्कल चैप्टर कर रहे थे। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने 17.1 तक सॉल्व कर ली थी। अब उसके आगे ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन एंड एक्टिविटीज़ है आपकी टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 116 पर। इसको पहले थोड़ा सा बहुत फास्ट कर लेंगे हम लोग, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन आगे की एक्सरसाइजेस में यूज़ होती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो प्लीज़ बच्चों, इस इंफॉर्मेशन को, इस एक्सप्लेनेशन को कभी स्किप ना करें। इसी पर बेस होती है हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं और जो एक्सरसाइजेस होती हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है, आर्क्स करिस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, आर्क्स मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में, जब मैंने सर्कल के सारे पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रही थी कि आर्क्स किसको कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर आपको बता रही हूँ। ये एक सर्कल है, इसमें ये एक कॉर्ड है ए बी। तो ये जो कॉर्ड डिवाइड करता है दो पोर्शंस को, उसको हम लोग आर्क के बोलेंगे। ठीक है, ये सर्कल का एक आर्क हुआ, दिस एंड दिस इज अनदर वन। ठीक है, ये दोनों आर्क बने, किसकी वजह से बने, ये कॉर्ड की वजह से बने। ठीक है, अच्छा ये बड़ा है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, मेजर आर्क। ठीक है, दिस इज मेजर आर्क। और ये आपको पोर्शन छोटा सा दिख रहा है तो ये क्या होगा, माइनर आर्क। क्या कहेंगे इसे, माइनर आर्क। ओके, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट क्या है, मेजर आर्क, सेकेंड माइनर आर्क। ओके, और तीसरी बात क्या है कि ये जो दोनों भी आर्क्स हैं, इन आर्क्स को हम लोग क्या बोलेंगे, करिस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉर्ड ए बी, करिस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉर्ड, जो भी नाम हो कॉर्ड का, ए बी सी डी पी क्यू वॉट एवर उसका। ठीक है, और ये आर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ आर्क, यहाँ पे नाम दे दिया मैंने एक्स एंड यहाँ पे नाम दिया वाई, आर्क ए एक्स बी एंड आर्क ए वाई बी। ठीक है, ये दोनों जो आर्क है ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग हुए, और कॉर्ड ये दोनों आर्क्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हुए। ये फीचर आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। ये क्या था हमारा, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स। ठीक है, सेकेंड टॉपिक क्या है, दिस इज फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड टॉपिक क्या है, कॉन्ग्रेंट आर्क्स। कॉन्ग्रेंट मीन्स सिमिलर, सेम। ऐसे आर्क्स जिनका जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, उनको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ग्रेंट आर्क्स कहेंगे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ये सर्कल बना के थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, कौन से आर्क्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, ये सर्कल यहाँ पर ओ, यहाँ पे ए दिया है इसने, ए बी है, ये डी वाई है डी सी, ये यहाँ पे वाई और यहाँ पर एक्स। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सर्कल कर देती हूँ। ओके, ये सर्कल हो गया। अब इसमें इस ये जो दो एंगल हैं,
ये कॉन्ग्रुएंट है। क्या बोल रहा है वो, ये दोनों मेजर ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी अगर फॉर एग्जांपल ये 30 है या 75 है तो ये भी 30 हो या 75 हो, यही बोलना चाह रहा है। तो इसके सामने के जो आर्क्स होंगे ना, जैसे इसके सामने का आर्क कौन सा है, ये जो एंगल है डी ओ सी, इसके सामने का आर्क है डी आर्क डी वाई सी, ठीक है। और ये एंगल क्या है ए ओ बी, इसके सामने का आर्क कौन सा है ए एक्स बी। तो ये दोनों आर्क्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में ये वर्डिंग्स में लिखा है, इसे समझने की थोड़ी कोशिश करें। इफ़ द मेजर्स ऑफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर सेम देन टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। जब दोनों आर्क्स के मेजरमेंट बराबर होंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है बताया है वो इक्वल होंगे, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने बताया है मेजरमेंट एंगल ए ओ बी, ए ओ बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी ओ डी, मेजरमेंट एंगल सी ओ डी, ठीक है। देयरफॉर इसके सामने का आर्क कौन सा है बेटा, देखो ए ओ बी के सामने आर्क कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये पोर्शन, रेड से मैं मार्किंग करती हूँ, ये पोर्शन, ठीक है, दिस पोर्शन, इसके सामने का ये आर्क। तो आर्क मेजरमेंट ऑफ आर्क ए एक्स बी इक्वल होगा मेजरमेंट आर्क, अब सी ओ डी एंगल, ये सी ओ डी है, इसके सामने का आर्क कौन सा आ रहा है, ये वाला डी वाई सी, ठीक है, डी वाई सी, समझ में आ गया, यही ये कहना चाह रहा है आपकी टेक्स्ट बुक में, ठीक है। इसलिए देयरफॉर आर्क ए एक्स बी, ये जो साइन होता है ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है आर्क सी वाई डी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट क्यों हुए, क्योंकि ये दोनों का मेजरमेंट आर्क का सेम हुआ, इसलिए वो कॉन्ग्रुएंट हुआ। ये सिंबल किसका होता है, इक्वल के इस तरफ ऐसा सा ये जो बनाते हैं, इसके कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। अच्छा, ये मैंने आपको ये लिखना क्यों सिखाया है, क्योंकि आगे जो एग्जांपल्स आएंगी उसमें आपको ये एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, इसलिए आपको यहाँ पे ये लिखना और समझ में आना नेसेसरी है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि सामने कैसे एंगल के कौन सा आग पड़ेगा, वो कैसे देखते हैं और उसको कॉन्ग्रुएंट कैसे बताते हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक में एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटी वन एंड टू। वन एक्टिविटी में क्या है, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ, ड्रॉ सी ओ डी एंगल एंड एंगल ए ओ बी ऑफ सेम मेजर, यू विल फाइंड दैट आर्क ए एक्स बी एंड ए सी वाई डी आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये जो हमने ऊपर जो प्रॉपर्टी की थी वही सेम प्रॉपर्टी इसमें बोल रहा है, लेकिन इस प्रॉपर्टी के ऑन अकाउंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी वो क्या बता रहा है कि ये जो कॉर्ड बनेंगे ये कॉर्ड भी सेम होंगे, ठीक है, ये कॉर्ड भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये एक्टिविटी भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि ये जो जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपको मैं बता रही हूँ ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी एक्सरसाइज सॉल्व करने में ये काम आएगी, तो इसलिए आपको यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किस तरह से डिराइव करते हैं, किस तरह लिखते हैं सेंटर ओ। यहाँ पर ये एक रेडियस है, यहाँ पे ये दूसरा रेडियस निकला, ठीक है, ये तीसरा रेडियस और ये चौथा रेडियस, ठीक है, और इन दोनों को जॉइंट किया मैंने, यहाँ पे इन दोनों को मैंने जॉइंट किया, ओके, दोनों का मेजरमेंट सेम है एंगल का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मैंने 75 लिया तो ये भी मैं 75 डिग्रीज ही लूँगी। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया इसे सी डी, और आर्क का मेजरमेंट करने के लिए वाई नाम लेने के लिए ये ए बी और ये क्या हुआ एक्स हुआ, ठीक है। अभी ये टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी वन है, जो
एक्टिविटी वन। इसमें ये क्या प्रॉपर्टी आपको बताना चाह रहा है कि मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी ओ डी, सेम एंगल मैंने दोनों के लिए है। तो जो हम लोगों ने ये कॉन्ग्रुएंट आर्क्स पढ़े थे उसमें क्या था कि जब दोनों दो आर्क्स के मेजरमेंट बराबर होते हैं तो वो आर्क्स दो जो वो एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं और उनके जो आर्क बनते हैं उनके सामने जो आर्क बनते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो देयरफॉर मेजरमेंट आर्क ए ओ बी, ए ओ बी के सामने कौन सा आर्क बन रहा है, ए एक्स बी, ए एक्स बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल आर्क सी ओ डी के सामने कौन सा बन रहा है, डी वाई सी। ठीक है, देयरफॉर आर्क ए एक्स बी कॉन्ग्रुएंट होगा आर्क डी वाई सी के। ठीक है, और इसी वजह से जब ये बराबर है ये बराबर है ये बराबर है ये बराबर है तो ये भी क्या होगा, इक्वल होगा, कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा कॉर्ड सी डी के। ठीक है, ये नई प्रॉपर्टी हम लोगों को मिल गई कि जब दो आर्क आमने सामने के बराबर होंगे तो उनके जो कॉर्ड्स होंगे वो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, बराबर होंगे। ये प्रॉपर्टी हम लोगों को शायद आपके जो एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें यूज़ में आए, इसलिए आपको ये याद रखनी है कि दो सेम एंगल्स के आर्क सेम होंगे और उनके आर्क सेम होंगे तो उसमें जो कॉर्ड होगा वो भी सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी सेकंड। ये एक्टिविटी में हम लोगों को नई नई जो प्रॉपर्टीज़ है वो शो करता है, इसलिए हमको करना बहुत ज़रूरी है। अब ये सर्कल इसने लिया है, सेंटर सी है, ड्रॉ द कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ए बी एंड डी ई, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड है और यहाँ से इसने चार रेडियस लिया है सी ए सी बी सी ई सी डी। ठीक है, फिर इसके बाद उसने क्या बोला है कि ये आर्क और ये आर्क भी बराबर होंगे और ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हम लोग, ठीक है, यहाँ पर ये एक रेडियस लिया, ये रेडियस लिया, ये रेडियस लिया और ये रेडियस लिया और यहाँ पे ये कॉर्ड बनाया, यहाँ पे ये कॉर्ड बनाया। ठीक है, ये ए बी और ये डी ई, ठीक है, ये सी। तो ये जो एक्टिविटी टू है इसके वाइसे वर्सा हो रही है। वो क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट एक्टिविटी में क्या बताया था कि जब दो एंगल सिमिलर होंगे तो उनके कॉर्ड बराबर होंगे और यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि जब दो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट होंगे तब उनके ये जो एंगल्स होंगे ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। देयरफॉर मेजरमेंट एंगल डी सॉरी ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी सी ई। ठीक है, यहाँ पे मेजरमेंट नहीं आएगा, यहाँ पे एंगल आएगा और मेजरमेंट एंगल ए सी डी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल डी सी ई। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे की वाइस वर्सा है। यहाँ पे इसने क्या बोला है कि जब दो एंगल्स बराबर होंगे तो उनके कॉर्ड बराबर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे और यहाँ पे इसने ये बोला है कि ये जब दो कॉर्ड बराबर होंगे तब उनके एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। सेम एज दोनों बातें सेम है। ठीक है, ओके, ये हमारी छोटा सा एक्सप्लेनेशन और ये दोनों एक्टिविटी हमने सॉल्व कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में ये जो प्रैक्टिस सेट 17.2 है
ये हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, क्योंकि आप खुद से सॉल्व करेंगे जब आपको पता चलेगा कि आपको एक्सप्लेनेशन कितना समझ में आया या आपकी डिफ़िकल्टी कहाँ आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं, तो मैं एक बार और आपको वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।